नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। हमारे साथ विशाल जूड़ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से जेल काट कर आए। वहां की सरकार द्वारा इनको जेल में डाल दिया गया था। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करने वाला कर किया था और दूसरों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज वो करनाल में पहुँचे हैं, उनसे जानते हैं सर क्या मामला। आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। हाँ जी, आप सभी लोगों का, अपने देशवासियों का सभी का धन्यवाद, और जिन्होंने मेरे को ऑस्ट्रेलिया में सपोर्ट की उनका भी धन्यवाद। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी देश के खिलाफ कुछ एक्शन करता है, मतलब कि उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मतलब कि बस ये काम आपके साथ हुआ क्या था, आखिरकार पूरी बात क्या हुई थी, क्या पूरा घटनाक्रम? पूरी बात ये थी कि जो भी किसान रैली चलाई गई थी, तो उसमें मैं भी फार्मर का बेटा हूँ, तो मैं भी अपना उसको सपोर्ट करने गया था। तो वहाँ पे देखा कि जो रैली थी उसको डाइवर्ट किया गया था, मतलब कि खालिस्तान के बारे में, और जो अपने देश के पीएमजी हैं उनके बारे में मतलब गलत शब्द बोले जा रहे थे। तो बस मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास अपना तिरंगा था, मैंने अपना तिरंगा निकाला और मैंने नारा लगाया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, किसान एकता जिंदाबाद। और फिर उन्होंने मेरे को टारगेट करना शुरू कर दिया। मैं बेंच पे खड़ा था, मेरे को पुश करके नीचे ले गए, तो फिर उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, मतलब जो भी मेटल ऑब्जेक्ट है उससे मेरे को मारा। मेरे लेफ्ट शोल्डर में अभी भी उसकी इंजरी है। विशाल जी, कुछ लोग वो आते हैं और वहाँ जाकर खालिस्तान का नारा लगाते हैं, यहाँ खालिस्तान बनते हैं, यहाँ सिख कहते हैं अपने आप को, वहाँ खालिस्तानी बन जाते हैं। हाँ जी, कुछ लोग यहाँ सिख कहते हैं और जाके ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के नारे लगाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? इन लोगों के खिलाफ एक्शन करना चाहिए ना सरकार को। क्या दोगली नीति अपना रहे सिख लोग? मैं सभी तो नहीं है, हर एक समाज में अच्छे भी लोग भी होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, पर वहां जाकर के खालिस्तान बन जाते हैं, जो हमारे झंडे का अपमान कर रहे हैं। सभी नहीं है, बिल्कुल आप थोड़ा बिल्कुल वायरल वीडियो भी आपकी आ रही है कि विशाल जी का कोई और अन्य केस चल रहा था वहाँ, उसके बारे में क्या कहना? नहीं जी, मेरा कोई भी केस नहीं चल रहा था बाकी। तो कुछ वायरल जो वीडियो हो रही है उसके अंदर आप किसी पे हमला कर रहे हैं, दिखाया है वो? नहीं जी, वो क्या गलत है वीडियो? वो जो भी सब था वो मैंने प्रूफ किया है कोर्ट में, वो सिर्फ मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया। तो आप डायरेक्ट अब इंडिया आए हैं, वहाँ से बैठा क्या? हाँ जी, उन्होंने मेरी जो भी है अपने सिक्योरिटी रीजन से मेरे को डायरेक्ट, मतलब प्रिजन से डायरेक्ट एयरपोर्ट पे ले गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरी जान को यहाँ पे खतरा है। तो यहाँ पर आपके प्रधान ने मांग की है कि आपको डीएसपी का पद दिया जाए, सरकार आपको सम्मान करे, क्योंकि सरकार ने काफ़ी इंसेंटिव लिया, मुख्यमंत्री तक बात की, उन्होंने भी आपको रिहाई करने की बात की। हाँ जी, मैं अपने प्रधान जी का भी धन्यवाद करूँगा, जो वो भी हमारी सहायता कर रहे हैं, तो बस यही है मेरे मन में भी। तो आप सरकार का धन्यवाद करते हैं? हाँ जी, सरकार का भी, अभी समाज का, अपने 36 बरादरी का, और जो मेरे दोस्त वगैरह जो ऑस्ट्रेलिया में है उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट की, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरे दोस्त न्यूजीलैंड से, उन्होंने भी मेरी बहुत सपोर्ट की, उनका भी धन्यवाद। हमारे साथ हैं राजकुमार। राजकुमार से जानते हैं कि सर ये मामला क्या है पूरा। आज विशाल जोड़ आपके पास पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं अखिल भारतीय रोड महासभा वाइस प्रधान के नाते कि विशाल जूड़ ने भारत माता के मान सम्मान के लिए, तिरंगे झंडे के मान सम्मान के लिए वहाँ पर झंडा फहराया था और भाई को सल्यूट है। आज भारत की धरती पे हमारे साथ है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। तो इधर राजकुमार जिन्होंने भारत माता की जय की और विशाल जूड़ के समर्थन में यहाँ पर उनका पूरा स्वागत किया गया, और विशाल जूड़ यहाँ पर पहुंचे हैं 6 महीने की जेल काटने के बाद आज करनाल में उनका स्वागत किया गया। मैं हूँ करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।